वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नामांकन के बाद सभी छात्र नेता छात्रों को लुभाने का कर रहे हैं प्रयास। 28 तारीख को होने वाले छात्र संघ चुनाव मतदान के लिए सभी छात्र नेता विश्वविद्यालय के छात्रों को लुभाने के लिए कक्षाओं में लगातार जाकर कर रहे हैं प्रचार प्रसार। विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव मतदान के लिए लगातार छात्र नेता कैंपेन कर विद्यालय के छात्रों से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 तारीख को होने वाले छात्र संघ चुनाव मतदान के लिए छात्र नेता प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में नामांकन के दौरान हुए पथराव के बाद प्रशासन भी पूरी मुस्तैद है ताकि फिर कोई अप्रिय घटना या कोई बवाल ना हो सके। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। संदीप जी, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब छात्रों को अपने तरफ लुभाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो इस स्थिति में नहीं हैं अभी कि छात्रों को लुभा पाए और उनके बीच अपनी बातों को रख पाए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मेरा नामांकन जुलूस निकला था मैं ऑलरेडी पहले ही 13 दिन ICU में रहा, उसके बाद ज़बरदस्ती मैं करके सीनियर हमारे मना कर रहे थे कि नहीं तुम्हारी स्थिति सही नहीं है, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, बीमार हो ज़्यादा, घर वालों की मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद करके आया और मैं नामांकन कर रहा था, मेरा नामांकन जुलूस निकल रहा था, उसी स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भारत माता मंदिर के पास मेरे ऊपर, जिस हम जिप्सी में सवार थे उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ईंट पत्थर चले, कई ईंट हमें भी लगे, उसके पश्चात हमारे लोग वहाँ से लेकर के हमें भगे दूसरी गाड़ियों में और वहाँ से हमको हटाया गया, उसके बाद हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, जिस गाड़ी में हम सवार थे उसको कूच दिया गया और हमारे कई लोगों को मारा गया, पत्थर से मारा गया, पकड़ के मारा गया, ज़्यादा चोटें आई हैं और फिर भी देखेंगे कि प्रशासन के द्वारा हमारे ही लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया।